लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कोरोना संक्रमण के कारण हॉस्पिटलों में रक्त भंडार घटने लगा है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सामूहिक रक्तदान का आह्वान किया है। सीएम के इसी आह्वान पर आज मुंबई शिवसेना के विभाग प्रमुख दर्शन भनगे और काजल भनगे ने वासी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां सैकड़ों नागरिकों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर सांसद राजन विचारे, उपनेता विजय नाहटा, जिला प्रमुख विट्ठल मोरे समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। यहां शिवसेना नेताओं ने जहां रक्तदान शिविर के आयोजक दर्शन भनगे की सराहना की, वहीं रक्तदाताओं का भी हौसला बढ़ाया। कोरोना संक्रमण के चलते बढ़ रही रक्त की कमी कईयों के लिए जान का खतरा बन रही है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रक्तदान का आह्वान किया है। आज मुंबई शिवसेना ने सीएम के इसी आह्वान पर वासी सेक्टर 15 में रक्तदान अभियान चलाया, जहां सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर सांसद राजन विचारे और उपनेता विजय नाहटा, जिला प्रमुख विट्ठल मोरे, उप जिला प्रमुख दिलीप घोड़ेकर और मिलिंद सूरीराव और विजय माने समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। यहां शिवसेना नेताओं ने कहा कि आज कोरोना संक्रमण के कारण अस्पतालों में रक्त की भारी कमी दिख रही है, इसलिए शिवसेना ऐसे उपक्रम चला रही है ताकि मुंबईकरों को सहायता और राहत मिले। सांसद राजन विचारे और उपनेता विजय नाहटा और जिला प्रमुख विट्ठल मोरे ने रक्तदान शिविर लगाने के लिए आयोजक दर्शन भनगे और उनकी टीम की भी सराहना की। हमारे आदरणीय महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, इनके माध्यम से, उनके आदेश से यहाँ पे गए साल में मेडिकल कैंप जैसा है, ब्लड डोनेशन कैंप है, फिर बाद में ये अनाज वाटप है और प्लाज्मा दान शिविर है। ऐसे कई शिविर गए साल एक कोविड कार्यकाल में हमने किए। आज अभी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ पे आह्वान किया था कि ब्लड डोनेशन कैंप हर जगह पे होने चाहिए। हमारे मुंबई शिवसेना शाखा का माध्यम से यहाँ पे जो हमारे विभाग प्रमुख है दर्शन भनगे, इनके माध्यम से यहाँ पे रक्तदान शिविर आयोजित किया है। यहाँ पे बड़े पैमाने पे लेडीज़ यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं और यहाँ पे सभी लोग ने यहाँ पे सहभाग लिया था। मैं दर्शन भनगे और सभी उनकी टीम जो हमारे पदाधिकारी है, जो शिवसेना के माध्यम से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है, ये मेरे ख्याल से आज ये दूसरी बार हमारा चार कैंप यहाँ पे आयोजन किया है हर मुंबई शहर के अंदर। और गए 15 दिन में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शिविर ब्लड डोनेशन कैंप शिवसेना के माध्यम से यहाँ पे किए गए। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। अपन राजकीय भाग सोडू, परंतु प्रत्येकाचा जीव जगला पाहिजे या उद्देशाने आमचे पक्षप्रमुख आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी जो या जनतेला एक आवाहन केलं, ते आवाहन शिवसैनिकांनी लिलया पेलून प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक शाखेच्या माध्यमातून रक्तदान शिबिर असतील, मग इतर कार्यक्रम असतील, मग आमचे मास वाटप असेल, सॅनिटायझर वाटप असेल, अन्नधान्याचं वाटप असेल, पण आज मोठ्या प्रमाणावरती रक्तसाठा कमी पडतो आहे। अशा वेळेला माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून आज या ठिकाणी आमच्या दर्शन भनगे यांच्या माध्यमातून ह्या रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलं। या ठिकाणी आमचे आदरणीय खासदार विचारे साहेब, तसेच उपनेते आदरणीय विजय नाहटा साहेब, हे दोघे या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आमचे मान्यवर पदाधिकारी आहेत। मी दर्शन भनगे आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। रक्तदात्याचंही खरोखर मनापासून आभार। आदरणीय मुख्यमंत्री पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन दर्शन भनगे या विभागाचे आमचे प्रमुख आहेत शिवसेनेचे, त्यांनी या ठिकाणी रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे आणि त्याला फार मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला आहे, तुम्ही पाहिलेलं आहे। अशाच प्रकारची अनेक शिबिरं आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांनी आवाहन केल्यामुळं आणि रक्ताचा तुटवडा असल्यामुळं या शहरामध्ये शिवसेनेच्या माध्यमातून आम्ही घेतलेले आहेत आणि सुदैवाने लोकांनी त्याला फार मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद दिलेला आहे। शिवसेना नेहमीच जे जे लोकांच्या गरजेचं आहे,
ते मास्कचं वाटप असो, अन्नधान्याचं वाटप असो, सॅनिटायझरचं वाटप असो, पेशंटला ॲडमिट करण्याचं काम असो, पेशंटचं बिल कमी करण्याचं काम असो, किंवा सिनियर सिटीजनना वॅक्सिनेशन देण्याचं काम असो, अशी सगळी कामं अतिशय आमचे सगळे कार्यकर्ते अतिशय तळमळीनं करतात. त्यातलाच एक उपक्रम म्हणजे रक्तदानाचा आहे आणि अतिशय यशस्वी पद्धतीनं आज या दोन्ही तिन्ही ठिकाणी रक्तदान शिबिरं झालेली आहेत आणि लोकांचे मी आभार मानतो की त्यांनी शिवसेनेच्या या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन मोठ्या प्रमाणावर रक्तदान केलेलं आहे. दर्शन बनगे असतील, मिलिंद कोऑर्डिनेट करत होता, सगळ्यांनीच याच्यामध्ये खूप चांगलं काम केलेलं आहे आणि या लोकांना शाबासकी देण्यासाठी सन्माननीय खासदार साहेब स्वतः या ठिकाणी आले, त्यांचे मी आभार मानतो. वासी में इस रक्तदान शिविर का आयोजन विभाग प्रमुख दर्शन भनगे और काजल भनगे द्वारा किया गया था. विभाग प्रमुख दर्शन भनगे ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के कारण हॉस्पिटलों में मरीजों की हालत बेहद खराब है, खून की किल्लत है. ऐसे में शिवसेना इस कमी को पूरा करने के लिए काम करने में जुटी है. दर्शन भनगे ने नागरिकों के अच्छे प्रतिसाद के लिए आभार भी जताया. खूप छान वाटतंय. आज हा उपक्रम जो आम्ही राबवला शिवसेनेच्या माध्यमातून, त्याचा खूप चांगला प्रतिसाद लोकांनी दिला आहे. तरुणपणांनी स्वतः पुढे येऊन, ज्यांचे पहिल्यांदाच रक्तदान केलं असे 5-7 तरुण पोरं पण स्वतः आले होते, महिलांनी पण चांगला प्रतिसाद दिला आहे. खूप चांगलं वाटतं आहे आणि शिवसेनेच्या माध्यमातून नेहमी आम्ही रक्तदान शिबिर वगैरे करत असतो. आता कोविडमध्ये पण आम्ही खूप मनापासून लोकांची मदत केलेली, अन्नधान्य वाटप असू किंवा पेशंटला आम्ही हॉस्पिटलला नेऊन ॲडमिट करत असतोपर्यंत आम्ही स्वतः आमचे कार्यकर्ते शिवसैनिक तिथे सगळे पुढाकार घेऊन करत होतो. ब्युरो रिपोर्ट, TV1 India.